कौन सी उर्दू बोल रहा था तू भगवान? ओके सीख लो। शो स्टार्ट्स नाउ। ओके क्यों हिल गई है? व्हाट इज है? बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। मेरे मुंह से बहुत अच्छी स्माइल आती है, स्मेल आती है गाइस, सीरियसली। कौन लेना चाहता है? आई नो, कोई लेना नहीं चाहता। ओके सो इंट्रोडक्शन करवा दो मेरे बारे में। मैं पहले इसके बारे में बता दो, किसे पता है मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? तुम कल आए थे, क्या नाम था कैरेक्टर का? व्हाट? तुम इधर आ जाओ पहले। ये पब्लिश किसने करने के लिए बोला तुम्हें? दिस इज अ सरप्राइज। दिस इज नॉट गुड। व्हाट आर यू डूइंग हियर? नहीं, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे खोपड़ी के टोकरी में जाके कच्चा चबाने वाला हूँ। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ जल्दी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो कोई नहीं, चलो आए बड़े से बात करने। गाइज ये है गेट जहाँ पर हमें मिलेगी टिकट्स। यहाँ पर मैं रिक्शा से आया हूँ, एक LB नगर से मैंने रिक्शा की हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मिलेगी टिकट्स, देखते टिकट काउंटर है। यहाँ पर लाइन लगती है बट आज कुछ भीड़ नहीं है तो लाइन नहीं लगेगी। बस चढ़ने जाएंगे बस में। ये है बस, ये है रामू जी का सब कुछ, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से बसेस निकलती है, 1400 टिकट है। तो पहले ही बता देता हूँ गाइस, ये ध्यान में रखना तभी यहाँ पर आना। और यहाँ पर आते आते एक घंटा तो लग ही गया मुझे। और बहुत अच्छी जगह है, मौसम बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, क्या बात है। और पानी की बॉटल लेके चलना क्योंकि बहुत प्यास लगने वाली, क्योंकि धूप भी यहाँ पर है।
बैक साइड इज, यहाँ पर देख लो पीछे रामू जी मूवीज, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जस्ट चिल्ड विद वाटर, वाटर यहाँ पर भी फॉलिंग कर रहा है, इतना नहीं कर रहा है बस धूप में बहुत ही काला होने वाला है जल्दी। कॉर्नेटो खाते खाते मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है, बट देखते हैं कितना चलता है। वैसे समझ में तो आ नहीं रहा है कि क्या चल रहा है, बस लोग जा रहे हैं तो उनके साथ में जा रहा हूँ। डोंट नो कि उसके बाद क्या होने वाला है। इन्होंने फ़ोटो खींच ली है मेरी, यहाँ पर कहा मैं चोरी करके भाग ना जाऊँ इसके लिए, शायद से ऐसा लग रहा है। ये कौन सा है? देखते मुझे ऐसी याद आ रही है, ऐसे घूमते हुए जा रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है गणपति की लाइन लगी हुई है यहाँ पर, बट ठीक है यार मज़ा आ रहा है। ऐसी है कूलिंग है इसलिए मज़ा आ रहा है, गर्मी में मर रहा था मैं अभी। कुछ इस तरह गाड़ी है जिसमें बैठ के लोग जा रहे हैं, कुछ अंदर ऐसे ये गुफा है, इस गुफा के अंदर जाना है, क्या पता क्या है अंदर, मुझे तो पता नहीं। यहाँ से बाहर आ रही है गाड़ी कुछ और ये गाड़ी अंदर लेके जाएगी। यहाँ पर स्नेक है, सांप भी है, यहाँ पर बंदर है, थोड़ा अंदर जा बेटा बंदर। जलपार से पर जलपर से, ओ माय गॉड ये देखो, इसको तो देखो भाई लोग, बहुत ही बढ़िया, क्या आवाज है। मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दो, मैं दिशा से शादी करना चाहता हूँ। राधा जी मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दो, दिशा से शादी करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात, इधर हो रही है शादी, क्या बात है। लगता है आज का शाम को फ्री का खाना मिलेगा, वेरी नाइस। दूल्हा दुल्हन है, थैंक यू। ये बुड्ढा कहीं जा ही नहीं रहा है, ये बुड्ढा हर जगह दिख रहा है, हे भगवान। ये अभी देख फिर से दिख रहा है बुड्ढा, फिर गायब हो गया, फिर आ गया, ये अलादीन लग रहा है। दिस इज हियर वही इजिप्ट, इजिप्ट दिख रहा है आपको। ये देखो यहाँ पर ताजमहल है, हम ढूंढ रहे सभी जगह, हैदराबाद में मिल गया। और ये आइटम देख, इसका नाक नहीं है बट ठीक है, थैंक यू। ये स्माइल क्यों नहीं कर रहा है, बट ठीक है चल जाने दो, जिसकी नाक ही कट गई हो वो क्या ही बात करेगा। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, थोड़ा सा लग रहा है थर्माकोल का है, डोंट वरी, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्लिप, थोड़ा भी नहीं पूरा। क्या देख रहे हो, और एक लगा हुआ है, इन्होंने तीन तीन बांध दिए, हमारे इधर एक नहीं बन रहा है ढंग से। बुड्ढे को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसने आखिरी सांस तक अपने
अपनी सांस नहीं रोकी और फुल एंटरटेनमेंट किया मुझे 30 मिनट। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू बाबा। हाथ में जोड़ सकता हूँ बट एक हाथ में फ़ोन है इसलिए नहीं जोड़ सकता। बट तू नीला क्यों हुआ है वो मुझे पता नहीं है, सांप धस गया होगा शायद। उस डोर है उसमें हम जा रहे हैं, थोड़ा सांस दे रहा है। लुक बैक एंड इनटू द स्विंग, स्विंग होते रहना। हमको तो लग रहा है शॉपिंग के लिए जा रहे जैसा, कुछ भी टेंशन नहीं है फेस पे। मैडम आप ऐसा हंसते पिक्चर खराब हो जाएगा, हंसना मना है डरना जरूरी है। मगर दोस्तों तालियां तो होना ही चाहिए। पीछे भी देखना, पीछे देखिए और सामने कैमरे की तरफ, यही स्पीड मेंटेन करते रहना, कंटिन्यू टिल आई से कट। लेफ्ट राइट स्विंग होता। लुक एट दैट, दे वेंट टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कुआलालंपुर, पैसा लेकर मलेशिया भाग गए अपने स्टार्स, वो भी गाड़ी लेकर बिना पेट्रोल का। और कहां स्टार्स अपने स्टूडियो में, कहां एयरपोर्ट में, कहां मेट्रो स्टेशन में। सो विद दिस ग्रीन मैट वी कैन चेंज एनी बैकग्राउंड। 3, 2, 1 कट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सिनेमा लो साउंड इफेक्ट्स में इलाके अच्छे स्टार हो, वो टॉलीवुड होने दो, बॉलीवुड होने दो। दिस इज द ओनली वे टू ऐड साउंड्स इन मूवीज एंड आल्सो इन प्रोमोस। फिल्म शूटिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद ऐसा स्पेशली साउंड इफेक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। फिल्म शूटिंग साउंड इफेक्ट्स एक ही बार नहीं होता। सो सिनेमा शूटिंग मुझे बहुत टाइम के बाद जिस बंदों ने हमें बहुत ज़्यादा हंसाया था पहले, और मेरे बहुत फेवरेट है वो मुझे मिल चुके हैं। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बट दे आर रियली गुड कॉमेडियन। क्या ही पता, इन्होंने बहुत अच्छे खासे वीडियोज़ हैं इनके, और क्या ही हंसाया है, वाह मज़ा आ गया। जहाँ कॉमेडी होती है और जहाँ कॉमेडी होती है वहाँ हम होते हैं, वो तो है ही है ना बेटा। अब उनकी गाड़ी खड़ी है, इन्होंने तो मोर को भी वाइट कर दिया, हे भगवान। और क्या क्या देखना बाकी है क्या ही पता। इट्स वेरी नाइस प्लेस, एंड यहाँ पर जो चमकीले लग रहा है ये छाते नहीं है, कुछ उड़ते हुए पंछी है, छोड़ दो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। एक वन सेकेंड ये जो आप सामने देख रहे हो ये मुझे डॉक्टर स्ट्रेंथ का घर लग रहा है, बट ये है नहीं। ओके सो लेट इट बी। ये मस्त है बट इसका निशान मेरे को डॉक्टर सेन की याद दिलाता है। यहाँ पर है रावण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। एक गायब है जो हम खुद लगा सकते हैं। अभी बता दे रहा हूँ, हैदराबाद आया था मैं, हैदराबाद में भगवान ये क्या गाना लगाया है, बेचारा तरस रहा है यार, 10 गर्लफ्रेंड कहाँ से पटाएगा ये बंदा। बट ठीक है, रावण जी है, रावण जी को नंबर बता देता हूँ, सब एक एक नंबर एक एक याद रखना ठीक है, 8288660828 ठीक है। ये तीनों 828 लग रहे याद रखे, बीच वाले का कुछ पता नहीं है, डोंट नो, देख लेते हैं। क्या बात है, मोटा भाई को फुल तरसा आ रहा है, क्या गाने लगा रहे दोस्त लोग, बहुत ही बढ़िया।
तो गाइस देख सकते हैं शाम में, ठीक है, राइट मैंने कहा राइट साइड आपके राइट में देखिए मधु शाम को थोड़ा चुड़ा चुड़ा आपके राइट में देखिए एंजिन पार्क तो छुआ नहीं कर आपके राइट में देखिए आपके लगा रहे हैं आपके लेफ्ट साइड चेक कर रहे हैं ज़्यादातर बंदर आना बंदर स्लो ले गया स्लो ले गया आपके लेफ्ट में देखिए ये वाला हार्डबीट गार्डन है आप किसी को लव प्रपोज करना चाहते हैं तो यहाँ आके कर सकते हो गाड़ी पंक्चर करते हैं ना हीरोइन का इसी रोड के ऊपर शूट किया गया है देख सकते हैं चरिश्मा का है ये जग को निकाल के इसी के ऊपर ऋतिक रोशन का स्टैचू लगाया था जो ब्रूस थ्रू मूवी में देख सकते हो लास्ट फाइटिंग एंड सॉन्ग एंड मेरा राइट साइड आपके राइट में चंद्रमुखी लगा लगा बेले ये जो घर है ये चंद्रमुखी का घर दिखाया गया है इसे देखो ये चंद्रमुखी गोद में उठा के लेके जाते हैं टेम्पल के ऊपर इसी सीढ़ी के ऊपर शूट किया गया है जिनमें अब सरदार गब्बर सिंह मोहिले चुड़ेचूर जनता कह रहे जूनियर एन डी आर फाइट सिंह एंड बिमला नायक सांबुरा इकड़े शूट किया है सलमान खान दबंग टू मूवी देखे इसमें जो गाना है दगाबाज रे दगाबाज जो इसी अंदर शूट किया गया है सबको मार्केट के लिए सर सजा के यहीं पे गाना शूट किया गया है आगरा का ताजमहल है वाइट पेंट करे तो ताजमहल ग्रीन पेंट करे तो मस्जिद जैसा दिखाते है अक्षय कुमार सूर्यवंशी मूवी तो देखोगे जो गणेश मूर्ति लाते हैं मस्जिद के सामने यहीं पे शूट किया गया यहीं पे बैठ साइड श्री मंदिर मूलो चुड़ो जो श्रुति आसन और मराठी मूवी देखे लय भारी देखे आपके राइट लेफ्ट में देखिए लास्ट वाला घर प्रिंस का घर दिखाया गया ये लाइन से ये लाइन का जो लास्ट घर है प्रिंस का घर दिखाया गया लय भारी मूवी मराठी और जो सेंटर का घर है दिल वाले काजल का घर दिल वाले मूवी और उसके राइट में है लेडी सेंटर जेल अंदर गए तो बिंदु बादल भी है डायरेक्टर जी को जो चाहिए बना देते तो अभी हम आ गए हैं साउथ सिटी लोकेशन ये है मुंबई मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबहानाला यहीं पे गाना शूट किया गया है एंड वर्षम मूवी पेट्रोल पंप शॉट महात्मा मूवी बस स्टॉप लोकेशन एंड क्या राइट साइड सरदार गब्बर सिंह पुलिस स्टेशन एंड सिंगम टू पुलिस स्टेशन गोवा पुलिस स्टेशन दिखाया गया है अजय देवगन सर का पुलिस स्टेशन है वो गोवा और जो चेन्नई एक्सप्रेस मिन्नम्मा का गांव दिखाया गया है उनका विलेज लोकेशन कहते हैं चंद्रमुखी डांसर हाउस और लय भारी माउली का घर ये जो गांव है हमको बाहर से बहुत खूबसूरत दिखेगा मगर अंदर जाके देखिए पूरा एयर कंडीशन हवा आ जाएगा क्योंकि पीछे पूरा जंगल है इसलिए ठंडा कूल कूल है पूरा फ्रंट का शूट किया जाता है इंडोर शूटिंग आगे किया जाता है आपको दिखाएंगे इंडोर शूटिंग रामोजी ग्रुप ऑफ पेपर ऑफिस और इसके नीचे जो बिल्डिंग्स है ई नाड़ू पेपर एड ऑफिस ई टी वी न्यूज ई टी वी भारत जो और नीचे हमारा स्टाफ कैंटीन भी है जो स्टाफ लोग यहीं पे खाना खाते हैं इसके अंदर जो प्लेन सेट है बहुत खूबसूरत है आप जाके फोटो ले सकते हैं इसके यहाँ पे ट्रॉफिक रहेगा सबको आप इधर मुझे देख सकते हैं इधर ट्रॉफिक में देख सकते हैं चुले चुले आगे से इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पीछे से मुन्ना भाई एम बी बी एस हॉस्पिटल भी है इसी के अंदर गोलमाल 3 एंड ऑल द बेस्ट सॉन्ग सुने ना इसी के अंदर शूट किया गया तो आप सब लोग ये बस से उतरने के बाद फॉरन गंदन सिंह लेके आगे से लग जाना है भाई लोग ये एयरपोर्ट है फिल्मों में ऐसा चूना लगा दिया अपन को एयरपोर्ट से इधर से बैग आया उधर आया इधर ट्रक पकड़ा जो भी है
इट्स वेरी नाइस फॉर, बड़ा अच्छा है भाई जो भी है इधर चिंदीगिरी करता है वो उतनी। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, बहुत कुछ नहीं है वैसे यहाँ पे। वेलकम टू सेंट्रल जेल, जेल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपकी राइट साइड में द जजमेंट ऑफ हैंगिंग पॉइंट, जैसे कि फांसी की सजा। शूटिंग के दौरान ये सारे स्टैचू हटाकर यहाँ पर ओरिजिनल लाशें खड़ा कर दें। और अपनी राइट साइड में देखिए तेरे ना मूवी में सलमान खान का मेंटल हॉस्पिटल। रामचरण की फाइटिंग सीन इकड़े शूट चेसारु। और हमारे सेंट्रल जेल को आप देख सकते हैं तेरे नाम पुलिसगिरी दृश्यम नैने राजू नैने मंत्री मूवी में देख सकते हैं। हमारा सेंट्रल जेल तीन टाइप का होता है, कैदी आने के लिए, दूसरा रिलीज के लिए, तीसरा जेल तोड़ के भाग जाने के लिए। अगर कैदी जेल तोड़ के भाग जाएगा तो आपके लेफ्ट साइड में रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन पकड़ेगा और यहाँ पर सब लोग उतर जाइए। यहाँ से एंट्री है, भागवतम का सेट देखने के बाद आपको एग्जिट में रेलवे स्टेशन से दूसरा बस मिलेगा। अपने दिव्य चक्षु से उस युग को देख लिया था जिसमें हम आज रहते हैं। इंसान का जीवन व्यर्थ न जाने पाए इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। हमने भी उसे अपने बड़े ही लोकप्रिय कार्यक्रम में दिखाया था। उससे जुड़ी कुछ चित्र चर्चियाँ हम आप तक लाए हैं ताकि आप भागवतम का अनुभव करके आनंद उठा सके। हमारे देश में कई पौराणिक कथाएं जो आज के समाज में गाइज ये कितना मस्त सेट है देखिए। ये जो महाभारत वाला सेट है ये यही बना था और ये इतनी प्रीमियमली बना के रखा हुआ इन्होंने कि आप 1% भी शक नहीं कर सकते कि वो उस जमाने का नहीं था। सिमरन वाला जो सीन था वो यही शूट किया गया। ये देख लो ट्रेन प्लेटफॉर्म है, यहाँ लिखा हैदराबाद। थोड़ा सा बचा गाइस, थोड़ा और मारता हो जाता है, थोड़ा ऊपर से मारना पड़ेगा तभी ये आ जाएगा। आई थिंक जजमेंट आ रहा है। यहाँ पर परफेक्ट ठीक है सुपर यहाँ सुपर। हेलो गाइस, ये कुछ लटकने वाली चीज़ करने जा रहा हूँ मैं। इट्स टू मच फन। देखिए कुछ बेल्ट बांधा हुआ है अच्छे से। इट्स वेरी नाइस वेयर
देखते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले से मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, बट इट्स एक्सपेरिमेंट। और आपको तो पता है कि मैं नई चीज़ें करने में कितना माहिर हूँ, फिर भी आई विल ट्राई। बट उससे उतरने वाला कोई चीज़ नहीं है भाई, ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी हवा निकल रही। सो वेरी बैड गाइस, आई लव यू गाइस। देखते हैं, जिंदा बचा तो आपके पास आ जाऊँगा, नहीं तो सत्यानाश तो वैसे भी होने वाला है मेरा। थैंक यू। हवाएं चली, ये देख सकते हो आप गाइस, और यहाँ पर जैसे रोप पे जाता है, इट्स टू मच फन। थैंक यू गाइस। ये है बाहुबली का सेट, ठीक है। यहाँ पर मैं पीछे बाहुबली देख रहे हैं, मेरे पीछे खंजर फूफट रहे, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये मैं आ गया हूँ जहाँ बाहुबली की शूटिंग हुई थी गाइस, और आप यहाँ पर देख सकते हो। वन सेकेंड, आई विल शो यू। दिस इज ये जो नगारा है, इसी से ढोल पीटा था, और उसके बाद यहाँ पर भी एक बजाया हुआ है, और यहाँ पर है गेट। गेट के अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा के अंदर है क्या, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। ये हुई ना बात, यह दो हाथी देख रहे हो, ये है बाहुबली का सेट, ये है बाहुबली का हाथी, जिस हाथी से मारा था यहाँ पर, जो यहाँ पर भी मारा होगा इधर किधर, तो सो आई डोंट नो। ये सेट है, ये है सेट, सकते हो आप। यहाँ पर लड़ाई हुई थी बल्लाल देव की और बाहुबली की, ये देख सकते हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखो, को मारा था वो, ये था जिससे मारा था, इसकी मदद से थोड़ा हेल्प हुआ था बाहुबली को। सब मिलेगा बेटा। हेलो गाइस, मैं बोल रहा था ना, ये लड़ाई हुआ था, ये घोड़ा दिख रहा है इधर, क्या है थोड़ा सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ पास से, देखो ये इधर मारा था थोड़ा सा, मेरे को पता है एक रैक क्यों निकला है, ठीक है। अभी ये ज्वाइंट करके रखा हुआ है, बट ठीक है, मस्त है ऐसा एकदम। ऊपर देखो ना सब घोड़ा इधर ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर है, मस्त है एक ना भाई। ये मार नहीं रहा है, पोज दे रहा है, ठीक है। मेरी राशि भी ऋषभ है, बैल वाली राशि, ठीक है। तो मेरे दोस्त हो हम एक ही जैसे, एक मिनट, मैं बैल तो नहीं हूँ, बट ये बैल है, बस राशि सेम है, ठीक है। हम टक्कर नहीं मारेंगे, वी आर फ्रेंड्स।